केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उपचुनाव निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने ऊखी मठ तहसील कार्यालय में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार आज 7 केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई थी। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नोटरी दस्तावेजों की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशी निःशुल्क नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हाँ, दिनांक 15 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके क्रम में चुनाव आयोग द्वारा बताया गया था कि 22 तारीख को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो आज 22 तारीख है, आज जो है अधिसूचना जारी हो गई है और हमारे द्वारा प्रारूप 1 में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को बैरिकेटिंग कर दिया गया है और 100 मीटर के बाहर बैरिकेटिंग कर दी गई है। पुलिस का फोर्स जो है डिप्लॉय कर दिया गया है और नामांकन पत्र वगैरह जो है लाके रख दिए गए हैं। तो आज से नामांकन प्रक्रिया की सारी तैयारियां रिटर्निंग ऑफिसर 7 केदारनाथ विधानसभा के द्वारा पूरी कर ली गई है और अभी जो है जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भी पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया और उनके द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए, जिसको जो है हमने पूरा कर लिया है। और आज से कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन फार्म जो है यहाँ से प्राप्त कर